नहीं यार, वो एक चीज मैंने ना हटा दिया लाइफ से कि छोड़ देता हूँ, बिकॉज़ आई थिंक फॉर एनी एक्टर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ आपने गिव अप कर दिया तो पत्ते पे आ गए, तो वो बड़ा जरूरी है. बिकॉज ऐसा नहीं होता कि, ये भी आपको बता दूँ, ऐसा नहीं कि आप वहाँ से निकलोगे और बाहर जाते ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगेगी. इट्स नॉट दैट. जस्ट ये है कि यार अपनी मेहनत करते रहना पड़ता है. मैंने 2008 में पास किया था, मैंने पहली फिल्म 2013 में की. सो इट्स नॉट कि मुझे जाते ही फिल्म सुनी. बट हाँ, एक चीज़ होती है जो आप लोग यहाँ से सीख के जाओ, इज कॉन्फिडेंट रहना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जनरली कई लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, द मोमेंट द कैमरा इज ऑन लोग घबरा जाते हैं, अरे यार अब क्या करना है. और ऐसा नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता कि मैंने सुबह एक ग्लास दूध पी लिया आज मुझे फिल्म मिल जाए, यू नो, या आज मैंने 10 पुशअप मार लिए हैं तो मैं फिल्म कर सकता हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. आई थिंक एज एन एक्टर यू ग्रो फ्रॉम विद इन. तो जिस दिन यहाँ से ग्रोथ फील करोगे उस दिन सब अच्छा होगा. आप जब यहाँ आए टाइगर प्रोफेशन में, तो आप पहले कैसे थे और जब आप पास आउट हुए तो फिर आपके क्या चेंज आए? यार चेंजेस ये आए, जो एक ये चीज निकल गई. मैं बता, दिल्ली से आया हूँ, तो दिल्ली वाले हमारी प्रॉब्लम होती है, हमें आते रहता हूँ तो हीरो है आते हैं बस थोड़ी को एक्टिंग सिखा सकता भाई, तो हम सिखाएंगे. जब तक आपको ये नहीं लगेगा ना ये लाइन लिखी नहीं, ये तो मेरी लाइन है, ये दिस इज मी, टिल दैट टाइम यू कांट प्ले द कैरेक्टर. तो इसका ना पहले डिसिप्लिन नहीं, बिल्कुल नहीं था यार, बिल्कुल नहीं था. मेरे को तो, मैं बता रहा हूँ, मेरे को लगता था कि बस मैं तो हीरो हूँ, याद मुझे भूल जाता है बस हो गया, याद किया रट्टू दो दिन इतना भूल गया अच्छा. बट दैट्स नॉट द वे इट इज. आई थिंक फॉर एन एक्टर, चाहे आपकी फिल्म में या सीरियल में या व्हाटएवर, चाहे एक लाइन हो चाहे 10 लाइन हो, till the time you don't feel the line, till the time tumhe ye na lage yaar ye line meri yaad nahi hai, ye mere mein thi somewhere, it was there aur maine dhoond ke nikala hai, you know, that is what I felt, that's what I learned from him. Acting kitni scripted aur kitni spontaneous hoti hai ya kya usme improvisation hota hai? Sir zyada tar to meri improvisation rehti hai, script rehti hai of course, but as I just said, main believe nahi karta ki char lines likhi hai aur unhi lines ko padh ke bol do, तो वो अंदर से नहीं आती बात. सो जनरली मैं जो स्क्रिप्ट भी होती है मैं याद कर लेता हूँ, मैं जनरली प्रॉम्प्टर नहीं पढ़ता. प्रॉम्प्टर ऑब्वियसली होता है फॉर अ सजेशन, मेरे राइटर्स होते हैं जो मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, मैं वो याद करता हूँ. बट फिर मैं फिर वहीं पे जो आपने उनसे बात की, यहीं पे वो प्रोसेस स्टार्ट होता है. एज एन एक्टर यू स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा मुझे ये बात बोली गई है, इस सिचुएशन पे है, इस सिचुएशन पे और क्या हो सकता है. सो आई थिंक वहाँ चीज़ें काम आ जाती हैं. तो मेरी स्क्रिप्ट में भी ये रहता है, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करता हूँ कि चीज़ों को क्या कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल झलक, झलक में माधवी जी का पल्लू पकड़ना, दैट वॉज स्क्रिप्टेड, हैपेंड ऑन द स्पॉट. करण सर से पंगे लेना, रेमो सर से पंगे लेना, कंटेस्टेंट से पंगे लेना, नथिंग स्क्रिप्टेड. वो चीज़ें एक ऐसी होती हैं जो अंदर से फील हो जाती हैं और आ जाती हैं.